सनातन धर्म का इतिहास है कितना पुराना। जैसा कि मैंने बताया, सनातन और साइंस के लिहाज से आज यहां पर चर्चा होने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द आपको यहां पर सनातन धर्म का इतिहास बता देती हूं, क्योंकि वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सनातन धर्म नाम सामने आया। अब सनातन का आखिर अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बने रहने वाला। तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि सनातन का एक और अर्थ है, और जिसका अर्थ है जिसका ना कभी आदि है और ना ही कोई अंत। अब विश्व के सभी धर्मों में सबसे पुराने धर्म के दौर पर ही इसकी पहचान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन को वैदिक धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। अब हिंदुत्व सनातन धर्म के रूप में सभी धर्मों का ये मूलाधार है। ये मुख्य तौर पर बातें सनातन के लिहाज से उस इतिहास के जरिए आपके सामने रखी है। अब आगे इंफॉर्मेशन आपके सामने साइंस के लिहाज से भी होगी, लेकिन उससे पहले खास मेहमान जो इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं, उनका परिचय मैं आपको करवा देती हूं। और साथ ही इस बीच आपको ये भी बता दूं कि गौतम सेठ मनोवैज्ञानिक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही नमन खन्ना मेंटलिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही सनातन के लिहाज से जहां तक बात करने वाले हैं, तो नितिन नागर हमारे साथ, वैदिक साइकोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, और साथ ही अश्विनी गुप्ता जो कि पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हैं, आज वो अपनी बात भी रखेंगे, और कुंडली विज्ञान को समझते हैं राजकुमार शास्त्री जी, वो भी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जादूगर मैजिक लियो भी आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। दिलचस्प होगा जानना कि आखिर किस आधार पर ये अपने एक्ट सामने रखते हैं। अब विद्या भूषण रावत सामाजिक कार्यकर्ता भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और नितिन एन नागर जो कि हमारे ऊर्जा विशेषज्ञ हैं, उनके साथ भी हम समझने की कोशिश करेंगे। गौतम सेठ मनोवैज्ञानिक और साथ ही पंडित राजकुमार शास्त्री हमारे साथ हैं। तो ये खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ आज इसलिए जुड़ा है क्योंकि कई अहम मुद्दों पर आज इस चर्चा को लॉजिकली समझना जानना बेहद जरूरी है। मैं सबसे पहले यहाँ अपने गेस्ट के साथ शुरुआत करने के साथ साथ अपनी खास ऑडियंस का भी स्वागत करना चाहूंगी जो आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चार मुख्य मुद्दों के आधार पर आज इस शो में बड़ी बातें, बड़े तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पंडित राजकुमार शास्त्री जी ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या वाकई साइंस वर्सेस सनातन की ये जंग शुरू हो चुकी है? नहीं, देखिए इसमें जंग की का कोई स्थान नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि शास्त्र 5000 वर्ष पुराना है और विज्ञान 600 वर्ष पुराना है, बहुत आधुनिक है। ठीक है, अब देखिए जो सनातन है उस वो शास्त्र पर आश्रित है, शास्त्र उसका माध्यम है, और शास्त्र में इस प्रकार के अनेकों अनगिनत उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं, जहां से विज्ञान आरंभ हुआ जी। मैं आपको एक बात बतलाता हूं, भागवत में, महाभारत में एक कथा आती है जी, जिसमें महाराज मनु के पहले कोई संतान नहीं थी जी, उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद उनके एक कन्या हुई जी, और उस कन्या को ही जब महाराज मनु ने कहा कि मुझे तो पुत्र चाहिए, मैंने पुत्र के लिए यज्ञ किया, तो वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, इस कन्या को ही पुत्र, तो इला नाम की कन्या को ही युवनाश्व नाम का पुत्र बना दिया। यह विज्ञान नहीं तो और क्या है? ठीक है कि बेटी को पुत्र बना दिया जी। इसी प्रकार से युवनाश्व नाम के राजा हैं जी, कोई संतान नहीं थी, यज्ञ हुआ, यज्ञ में उन्होंने यज्ञ का जल स्वयं पी लिया, तो ऋषियों ने कहा ये आपने क्या किया, ये जल आपकी, एक सेकंड, ये जल आपकी रानी को मुझे पिलाना था, लेकिन अब ये जल आपने पी लिया, इसलिए हे राजन अब ये मंत्र अमोघ हैं, और अब वो संतान जो आपकी पत्नी के गर्भ से होनी थी अब वह आपके गर्भ से होगी। तो युवनाश्व नाम के राजा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, उसके पेट को चीर करके संतान को बाहर निकाला गया। यहाँ मैं बता दूं, सनातन का इतिहास आपके सामने मैंने रखा, लेकिन यहाँ पर बातचीत मैंने पंडित राजकुमार शास्त्री से भी इसीलिए शुरू की क्योंकि मुख्य तौर पर आपको बता दूं ये ज्योतिष आचार्य हैं, 30 साल का इनका पांडित्य अनुभव है, वास्तु विद्या और ज्योतिष के लिहाज से 6 किताबें भी लिख चुके हैं और श्री भगवत गीता का वाचक भी करते हैं। लेकिन इस बीच मेरा सवाल अश्विनी सर आपसे है, परिचय में आपका करा दूं, मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक हैं ये और साथ ही पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हैं, मुख्य तौर पर मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में 35 साल का इनका अनुभव है। अब इनकी बात आपके लिहाज से इस शब्दों में मैं बात करूं, क्या लॉजिक आपको इसके पीछे समझ आता है, और क्या ये कहना वाकई सही होगा कि सनातन वर्सेस साइंस की यहां पर अब चर्चा बहुत जरूरी हो चुकी है लॉजिक के लिहाज से समझने के लिए भी? देखिए सनातन और साइंस की कभी लड़ाई थी? साइंस जो आप बात कर रही हैं ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड का
एक उत्पत्ति है। अगर हमारे पुराने ऋषियों को देखेंगे तो देवर साइंटिस्ट, ओके, सी उन्होंने जितनी भी चीजें करी, जो भी नई चीज बनाई, वो तब से चला रहा है। अभी अभी आपने बात की सनातन क्या है, सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है, ओके, तो इसीलिए अगर हम कहें ये फाइट तो है ही नहीं। क्या हम कहना चाहेंगे कि बेसिकली साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज लेम। क्योंकि कारण क्या है कि बहुत सारी चीजें जो हमारे पहले थी उसका एक्सप्लेनेशन साइंस ने बाद में दिया, तो आज भी वही चीज हो रही है। क्योंकि जो भी चीज हम नहीं समझ पाते उसे हम चमत्कार कहते हैं। उसको स्टडी किया, बाद में उस लॉजिक को उन्होंने प्रूफ किया, लेकिन बेस ग्राउंड यही था।